दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। उन्होंने जो बोले मेन विकास करता हूँ, बोले कुछ विकास नहीं कर रहे, आम आदमी कैसा जीना साहब। 108 रुपये पेट्रोल है, 250 की मजदूरी करते हम, 110 का पेट्रोल चलेगा तो हम खाएंगे क्या पियेंगे क्या साहब, बोलिए। देश भर में पेट्रोल की कीमत में इजाफा बढ़ते चले जा रहा है और डीजल की कीमत में इजाफा बढ़ते चले जा रहा है। गरीब आवाम का कहना है कि जियेंगे कैसा हम अगर ऐसा ही पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान को छीनेंगे। बात करते हैं उनकी ज़ुबानी क्या सुनते भाई, अगर ऐसे डीजल के रेट बढ़ते रहेंगे तो गरीबा मरना पड़ता। 100 रुपये डीजल बोले तो क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, 150-200 का ट्रिप मारते हम, उसमें क्या बचेंगे, हमारे को बचने का कुछ भी ना, खाली फुकट को खाली डीजल को गाड़ी को पाल लेना, भूखे मर जाना पड़ रहा। एक तो डीजल के रेटा के लिए सोचना पड़ेगा ज़रा, अगर और बढ़ते रहेंगे तो पूरी आबादी कम हो जाएंगी डीजल के बारे में, तो कुछ खाने पीने के लिए परेशान हो जाए। क्या कहना चाह रहे हो हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि डीजल कम होना, डीजल के रेटा कम होना। कहाँ था डीजल 2 महीने के नीचे 60 रुपये था, सीधा ऊपर से क्या रेट हो गया, 101 रुपये हुआ, 101 ही छुआ ना भैया। कोई धन्यवाद। अभी पेट्रोल और डीजल के रेट आसमान को छू रहे, आपका क्या कहना है? क्या बोलेंगे भाई, पेट्रोल तो आसमान को छीन दिया है, गरीबों की जान ले रहे हैं हुकूमत ये, और बहुत गलत है जो भी है। पेट्रोल का इतना रेट नहीं होना चाहिए, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत बर्खास्त हो। क्या बोलते आपकी क्या राय साहब, पेट्रोल और डीजल की रेट आसमान को छीरे? हमारी राय ये है कि हुकूमत को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल गाड़ी इतना नहीं बढ़ना चाहिए, गरीब आवाम के ऊपर बहुत मुश्किल हो जा रही है और हर चीज़ का रेट बढ़ जा रहा है। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि पेट्रोल रेट कम कर दिया जाए, और ऐसी हुकूमत बेकार हुकूमत है ये, कांग्रेस हुकूमत चाहिए हमको, ये बीजेपी हुकूमत नहीं चाहिए, बीजेपी हुकूमत खुदाफिस। कम होना चाहिए क्योंकि डेली बेसिस में अपन व्हीकल्स यूज़ करते हैं, एंड अगर पेट्रोल का प्राइस अगर आपको बढ़ाना ही है तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को ज़्यादा प्रमोशन करें ताकि पेट्रोल का मतलब उसका खर्चा ना हो एंड पेट्रोल सेव हो जाए थोड़ा और इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू। ना ज़्यादा नहीं होना, इतना ज़्यादा नहीं होना, पेट्रोल का रेट कम होना, पैसे वाले खरीद सकते, गरीब लोग कैसा खरीद सकते, थोड़ा कम होना चाहिए पेट्रोल का रेट। एक होना 60-80, हर कोई चला रहा ना बाइक, तो 70 तक तो होना चाहिए। ये ऑटो का अब गैस का जो रेट है, पहले 36-37 रुपीज़ था लॉकडाउन से पहले, अभी क्या है अब 58 रुपीज़ चिल्लर पैसे हो गए। अब क्या करना बोलो, अब कारोबार हो रहा नहीं लॉकडाउन की वजह से, क्या है ऑटो वाले पूरे परेशान हैं हैदराबाद में। अब कुछ बोले तो बोले जैसा भी नहीं है लोग को, क्या है मालूम, मोदी सरकार आ गई, अब हुकूमत आज जब से आई। शहर हैदराबाद का निजामी जायका विजयनगर कॉलोनी में फलक मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, जहां हर किस्म का पकवान मौजूद है। आपकी खिदमत के लिए हैदराबादी जाफरानी बिरयानी, पोटली के मसाले के साथ नहरी पाए, सी फूड्स मोटन के कई सारे आइटम्स, चिकन में 75 किस्म के आइटम्स, चिकन बिरयानी, हल्दी मटन बिरयानी, हंडी और दिगर लजीज डिशेस दस्तियाब है। ईरानी चाय जो एक बार पिए तो बार बार पीने का दिल करे, यहाँ एसी डाइनिंग हॉल की सहूलत है, साथ ही अलग से फैमिली सेक्शन की सहूलत भी दस्तियाब है। बैंकेट हॉल भी अवेलेबल है, 200-300 मेंबर्स के लिए बुकिंग की जा सकती है। मजीद तफसलात के लिए राब्ता करें 9290127152 या 9010085141 पर। हमारे पास ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, स्विगी जोमैटो पर भी हम मौजूद है। फलक रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर सैयद फसीउल्लाह हुसैनी, फलक रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल मुगलाई, तंदूरी, चाइनीज, चिकन, बिरयानी, ईरानी चाय। एड्रेस अपोजिट यूनियन बैंक, आसिफ नगर।